हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबू का ब्लॉग। और मैं हूं आप सबकी ज्योति। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आ गई हूं मैं एक बड़ी फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज का वीडियो होने वाला है एक प्रोडक्ट के रिव्यू के ऊपर। तो आज जो मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये लॉरियल पेरिस का, ये जो हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है इसका रिव्यू करने वाली हूँ। इससे रिलेटेड मैं सारे ही जो डाउट्स हैं जो मेरे मन में भी थे, एक एक करके मैंने बहुत जगह से पढ़ के इन्फॉर्मेशन निकाली है और बहुत सारी वीडियो भी देख के, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेक ए मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो सो मच। देन नाउ जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह के ग्लास के बॉटल में आता है और ये काफ़ी लग्जूरियस है, देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। और ये ड्रॉपर के साथ आता है तो ईजी है, कन्वीनियंट है, आप ईजिली इसको अप्लाई कर सकते हो, इसका एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। और अमाउंट की बात करें तो इसमें 15 ml का ये टोटल हमें प्रोडक्ट मिलता है और इसका MRP है 499 में आपको 15 ml का प्रोडक्ट मिलता है। और जो एक और इसकी साइज़ आती है, टू वेरिएंट है, एक 30 ml का है जो आई थिंक 899 का प्राइस का आता है। तो ठीक है, बट अगर आप चाहते हो पहले इसको स्टार्ट करना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप छोटा बॉटल ही लें, क्योंकि कई बारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वो आपको सूट ना करे या बहुत सारा होता है, तो पैच टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस छोटे बॉटल के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा यूज़ किया है, इसलिए ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो इस पे वीडियो बनाए हुए हैं और डाले हुए हैं बहुत सारे यूट्यूबर ने। तो लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसको एक अच्छे रिव्यू के लिए मैं इसको यूज करूँ, तभी किसी कंक्लूजन पे पहुँचूँगी कि ये वाकई आपके लिए है या नहीं, इसके बेनिफिट्स है भी या नहीं। तो इसलिए मैंने इसको पूरा यूज किया है और अभी मैंने सेकेंड परचेज भी कर लिया है, इसको रीपरचेज भी कर लिया है, जो कि मैंने अभी तक इसका पैकेजिंग खोला भी नहीं है। तो इसलिए तो अब मैं बात करती हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो ये प्रोडक्ट है, एक्चुअली में हाइलुरोनिक एसिड होता क्या है, ये कुछ अलग सा नहीं है, ये हमारे स्किन के अंदर ही होता है हाइलुरोनिक एसिड। और वो क्या होता है कि एज टू एज जब आप धीरे धीरे एज बढ़ती है तो वो रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। तो उसी को हमारे फेस में लॉक करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऊपर से अप्लाई करते हैं हाइलुरोनिक एसिड। तो जो हमारे फेस के लिए हाइलुरोनिक एसिड नीडेड होता है वो एट लास्ट उसका परसेंट 2 होना चाहिए। एक्चुअली जो हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिकुलर वेट होता है वो 50 से 1000 होता है, और हमारे स्किन को सिर्फ 300 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, वो वरना वो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए और परसेंटेज में जो उसका पीएच है वो हमें 2 से ज़्यादा नहीं जाना है, और इसमें 1.5% का हाइलुरोनिक एसिड है जो कि हमारे फेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो सही है। तो ये तो थी बात इसके फॉर्मुलेशन की। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट प्रोडक्ट के लिए कि ये प्रोडक्ट वर्क कैसा करता है। मैं बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगी, अब हम डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये आपके एप्लीकेशन में कैसा है। तो जैसा जहाँ तक मैंने इसको यूज किया, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको लगाते ही कोई इंस्टेंट ग्लो ऐसा कुछ आपको मिलेगा या आपके कॉम्प्लेशन में कोई डिफरेंस आएगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली करता क्या है ना कि जो इन्वायरमेंट में से जो वाटर होता है उसको हमारे स्किन में लॉक करता है जब आप इसको अप्लाई करोगे, तो उससे क्या होता है हमारा स्किन और भी ज़्यादा मॉइस्चराइज दिखता है, प्लम्प दिखता है और स्मूथ दिखता है, लाइक बेबी सॉफ्ट दिखता है। तो वो इसका मेन पर्पस है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से इसको यूज कर रहे हैं, अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंस बिल्कुल ही मिलेंगे, क्योंकि
जब आप इसको हमेशा यूज करोगे तो आपके स्किन में बेटर ही होंगे डे बाय डे, तो वो डेफिनेटली होगा। बट अगर आप सोचोगे कि मैं एक बॉटल लगा लूँ और कुछ एक अचानक से कोई मैजिक होने वाला, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये डेफिनेटली होगा कि जब आप इसको जब लगाओगे तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट दिखेंगे और मॉइस्चराइज दिखेंगे। तो इस प्रोडक्ट को लेके ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको डे में यूज करो या फिर सिर्फ नाइट में यूज करो। आप कभी भी अच्छे से फेस को साफ़ करके, क्लीन करके आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसको कब यूज करना चाहते हो। मैं जनरली इसको यूज करती थी जब मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे अच्छा मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है स्किन को और जो एप्लीकेशन हो जाता है मेकअप का वो ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको मेकअप के टाइम यूज करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये काफ़ी कम अमाउंट है, इसमें 15 ml है। तो ये अगर आप डेली यूज कर रहे हो, अगर आप 2 times यूज कर रहे हो तो आई थिंक, मुझे लगता है ये 20 से 25 दिन ही चलने वाली है। बट अगर आप 1 time यूज कर रहे हो तो ये 45 डेज चल जाएगा। बाकी अगर आपको अच्छा डिफरेंस लगता है, आपको ये अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए आगे भी जा सकते हैं। मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट ओके है। जैसा कि मैंने बताया कि जिस इंटेंशन से आप ले रहे हो कि इससे कुछ और इफ़ेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और सीरम का जो होता है, जैसे कि और भी सीरम मार्केट में है, विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल जो भी हैं, वो सब तो वो सबके एक अलग पर्पस हैं आपके स्किन में, क्योंकि वो आपके स्किन में जो चीज़ें खो जाती है डे टू डे उसको ही वो रिकवर करती है। तो जस्ट लाइक ये भी वैसे ही है। तो एक टाइम के बाद जब आप बहुत टाइम से इसको लगातार यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट होगा। बट ये डिपेंड करता है आपके फेस के ऊपर कि आपके फेस को इसकी ज़रूरत है या आपका फेस ऑलरेडी है, मतलब परफेक्ट है उसमें हाइलुरोनिक एसिड। तो इसलिए आप एक बार ही यूज करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ तो आप उसको मान ले। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे मैं कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, आपको डायरेक्ट उसकी बातों को एज इट इज़ नहीं लेना है। आपको खुद को पहले टेस्ट करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए अलग होता है और हर किसी का फेस भी अलग होता है। तो इसलिए बस यही थी मेरी इस प्रोडक्ट को लेके मेरी राय और मेरे थॉट। आई होप कि आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इस प्रोडक्ट को लेके, तो उनको एक अच्छा रिव्यू मिल गया होगा। बाकी मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को थम्स अप देना, और मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। फिर मैं मिलूंगी किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।